ಕೃಧ ಪರಮಾನಂದ ನಿತಾನಂದನಾಯ ಅಭಿಮಾನುಷುನ್ನಾನಿತಾಯ ನಗಾರಿಬರಾಯ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ ಹಮ ಲೋಗ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಪಾರ್ಷದ ಚರಿತಾವಲಿ ಸೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೆ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಕರೆಂಗೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿಥಿ. श्री लोचन दास ठाकुर बर्धमान जिला के काटुआ महाकुमार के अंतर्गत को ग्राम में एक राड़ियो वैद्य कुल में उत्पन्न हुए. वो बहुत ही अल्प आयु में ही गौरव पार्षद के संगति में आने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उनके गुरुदेव है श्री नरहरि सरकार ठाकुर. पूर्व बंग यानी कि बांग्लादेश में कवि लक्ष्मी पांचाली, सनी पांचाली, मनुषा पांचाली ऐसे सारे पांचालियों का अनुकरण करते हुए चैतन्य मंगल का ग्रंथ का पांचाली का भाष्य रूप में बनाए थे. पांचाली यानी कि जिस ग्रंथ में पांच प्रकार के गीति छंद में लिखा जाता है. लोचन दास ठाकुर के पिताजी का नाम था कमलकर और माता जी का नाम था सदानंदी. वे पिता माता के एकमात्र पुत्र होने के नाते बहुत ही लाडले थे. वो बाल्य अवस्था ज्यादा से ज्यादा अपने नाना के घर में व्यतीत करते थे. उनके बहुत ही अल्प आयु में उनका विवाह भी हो गया. बाल्य अवस्था से ही वो गौर पार्षद के बहुत नजदीक रहते थे और सांसारिक में उनका मन उतना नहीं लगते थे. और जौवन अवस्था में अपने गुरुदेव श्री नरहरि सरकार ठाकुर के पास नीलाचल में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया. श्री लोचन दास ठाकुर के ग्रंथ चैतन्य मंगल के ग्रंथ का प्रधान आधार था श्री मुरारी गुप्त विरचित श्री चैतन्य चरितामृत काव्य. चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखने से पहले लोचन दास ने वृंदावन दास ठाकुर की वंदना की है. वृंदावन दास बंदी वो एक चिते जगत मोहित जार भागवत गीते. श्री वृंदावन दास ठाकुर के विरचित जो चैतन्य भागवत है उसका नाम पहले चैतन्य मंगल था. संभवतः लोचन दास ठाकुर और श्री कृष्णदास कविराज महाराज ने इनका नाम बदल के चैतन्य भागवत लिखा. श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में बहुत सारे महाप्रभु का लीलाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, जिसे लोचन दास ठाकुर बहुत सारे लीलाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन किया. सबसे पहले उदाहरण जैसे है जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पहले विष्णुप्रिया देवी के साथ जो कथोपकथन हुआ था वो वृंदावन दास ठाकुर उतना स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, जिसका वर्णन हमें चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर के विरचित ग्रंथ में मिल सकते हैं. चलिए उसका थोड़ी सी पाठ हम लोग करते हैं. प्रभु की बैकुलता को देखकर चंद्रमुखी विष्णुप्रिया गदगद स्वर से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरे सिर झुककर ठीक ठीक बताओ कि क्या तुम सन्यास ग्रहण करोगे. लोगों के मुंह से ये बात सुनकर मेरे हृदय विदीर्ण होने लगा है. मैं तो आग में प्रवेश कर रही हूँ. मेरा ये जीवन धन स्वरूप नव जौवन वेश विलास भाव कला सभी कुछ तुम्हारे लिए ही है. तुम जब मुझे त्याग कर चले जाओगे तब इस नगण्य जीवन से क्या प्रयोजन. मेरे हृदय तो विष की ज्वाला की तरह जल रहा है. विष्णुप्रिया देवी का इस प्रकार का करुणा विलाप को सुनकर महाप्रभु कहने लगे, हे मेरी प्राण प्रिया, मेरी बात सुनो. तुम मन में कुछ मत लाओ. मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हारे मंगल के लिए ही कहूंगा. अतः मन लगाकर सावधानी से सुनो. जगत में जितना जो भी देखते हो उसे मिथ्या मानकर चलो. सभी में एकमात्र भगवान ही सत्य है और वैष्णव सत्य है. उनके बिना अन्य जो कुछ भी है उनको मिथ्या मानो. पुत्रों, पति, नारी, पिता, माता आदि जिन्हें कहते हैं वे सभी भी मिथ्या है. परिणाम में कौन किसका होता है. श्री कृष्ण के चरण के अतिरिक्त और कोई कुटुंब नहीं है. जो कुछ भी दिखता है वो सब उन्हीं की माया है.
नारी हो या पुरुष, सब में एक ही आत्मा है। मिथ्या माया के बंधन में बांध कर उसे दो मान लिया जाता है। श्री कृष्ण सभी के पति है, शेष सभी प्रकृति है, ये बात कोई नहीं समझता है। रक्त और रेत से के मिलने से मल मूत्रों के स्थान से जन्म लेता है, परंतु भूमिष्ठ होते ही वो अज्ञानी बन जाता है। बालक, युवक और वृद्ध होकर तथा नाना भांति के दुख कष्ट पाकर भी व्यक्ति अपने शरीर और घर का अभिमान करता है। हम अपना बंधु मानकर जिनका पालन करते हैं, वे सभी हमें गाली देते हैं। अभिमान से वे व्यर्थ काल को नष्ट करते हैं। कानों तथा आंखों से अंधे होकर दुख मानकर रोते तो है, पर फिर भी गोविंद का भजन नहीं करता है। वस्तु तो कृष्ण का स्मरण करने के लिए ही इस संसार में शरीर धारण करते हैं, किंतु माया के बंधन में स्वयं को भूल जाते हैं। अहंकार में मत्त होकर अपने प्रभु को भूलकर अंत में नरक की यातना को ही प्राप्त करता है। तुम्हारा तो नाम विष्णुप्रिया है, तुम इसे सार्थक बनाओ। मन में व्यर्थ शोक मत करो, मैंने ये तुम्हें सारा बात कह दी है। व्यर्थ की चिंता त्याग दो और मन कृष्ण कथा में लगा लो। भगवान श्री गौर सुंदर ने विष्णु प्रिया को ये सारे ज्ञान देने के बाद वहीं पे विष्णु प्रिया देवी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया था। स्वयं भगवान होकर उन्होंने अपनी माया को विष्णु प्रिया से सारे दूर कर दिया, जिसके कारण विष्णु प्रिया देवी से सारे दुख शोक दूर हो गए। तब चतुर्भुज मूर्ति देखकर भी देवी विष्णु प्रिया पति बुद्धि नहीं छोड़ सकी, अतः पति के चरण तल पर गिरकर अनुरोध अपरोध करती हुई विष्णु प्रिया कहने लगी, हे प्रभु, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं अति अधम नगण्य प्राणी हूँ जो इस संसार में उत्पन्न हुई हूँ, और तुम मेरे प्राण प्रिय पति हो। ये ही मेरा संपत्ति है कि मैं तुम्हारी दासी बनी थी। ना जाने किस कारण से मेरी यह अधोगति हुई है। इतना कहकर विष्णु प्रिया उच्च स्वर से रोने लगी और उनका प्रमाद बहुत बढ़ गया। प्रियजन के भी उनकी कारण अवस्था देखकर आंखें छलछला आई। तभी प्रभु उन्हें गोदी में उठाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। सुनो देवी विष्णु प्रिया, तुमसे मैंने ये कहा है, जहां भी जब तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं जहां कहीं भी जाऊं रहता तो तुम्हारे ही स्थान पर। ये मैंने तुमसे सच बताया है। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु प्रिया ने विचार कर जान लिया, ये मेरे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर है। वे तो अपनी इच्छा से काम करते हैं, उसमें भला कौन बांध दे सकता है। तभी उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। विष्णु प्रिया ने चेहरा नीचे झुका लिया और उनकी आंखें छलछला आई। ये देखकर प्रभु प्रेम भरी वाणी से बात करने लगे। प्रभु के आचरण का ये सारा विवरण सुनकर चोट लगती है। तभी लोचनदास प्रभु के गुण गाते हैं। लोचनदास ठाकुर के जन्म 1445 शकब्द में और तिरभा 1530 शकब्द में जाना गया। उनके लिखित तो विरचित तो श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ को छोड़कर भी दुर्लभ सार नामक और एक ग्रंथ का भी परिचय मिलते हैं। आज लोचनदास ठाकुर के चरण में हम लोग वंदना ज्ञापन करते हैं और उन्हीं के द्वारा लिखी गए ये महाप्रभु एवं विष्णुप्रिया के संवाद भी हम लोग श्रवण कर पाए। बोलो लोचनदास ठाकुर की जय, श्री विष्णु प्रिया देवी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।